बड़ा उत्साह का दिन है। लंबे संघर्ष के बाद हमारे पूर्वजों ने इस स्वतंत्रता को प्राप्त किया है। शायद नई पीढ़ी को ये बात का पता नहीं है कि कितना संघर्ष के बाद ये स्वतंत्रता प्राप्त हुआ है। इसीलिए लोकतंत्र की व्यवस्था को कायम रखना, अपने जो लोकतांत्रिक मूल्यों हैं उसको और उसकी जड़ों को मजबूत करना और साथ साथ देश को वापस उस पटल पर ले जाना जहां पर कि इस देश को सोने की चिड़ियां कहा जाता है, ये हम सब जो नई पीढ़ी के नौजवान हैं उनको देश के प्रति संकल्पित होना पड़ेगा। स्वतंत्रता दिवस पर तभी ये देश और हमारा प्रदेश आगे बढ़ेगा। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि 15-18 वर्षों के कार्यकाल में माननीय नेता नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार बहुत आगे बढ़ा है और बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा है। अगर आप विकास दर में देखिएगा तो हम देश के विकास दर से भी आगे हैं, लेकिन कुछ जगहों पर हमें और काम करने की आवश्यकता है। हमारा पर कैपिटा इनकम जो प्रति व्यक्ति आय है वो भी बढ़ा है। एग्रीकल्चर के सेक्टर में हमने इन 18 वर्षों में बहुत आगे काम किया और राष्ट्रीय क्रमण पुरस्कार जो कभी दूसरे राज्यों को मिला करता था, पिछले 5 वर्षों से चाहे वो चावल का उत्पादन हो, मक्का का उत्पादन हो, गेहूँ का उत्पादन हो, चाहे दलहन का उत्पादन हो, उसमें बिहार आगे हुआ है और हम पूरे देश को भोजन कराने में एक अव्वल राज्य के रूप में स्थापित हुए हैं। इसीलिए हमें और काम करने की आवश्यकता है। स्वतंत्रता दिवस में हरेक बिहारीवासी बिहारवासियों को ये संकल्प लेना होगा कि बिहार को वापस जिस तरह से मगध सम्राट अशोक ने पूरे विश्व में स्थापित करने का काम किया था, मौर्य जो साम्राज्य था उसको उस बिहार की प्रतिष्ठा को फिर से हम पूरे देश में स्थापित करने का काम करें। सर, मानवार त्रासदी हुई है हाल में, आप प्रभारी मंत्री, क्या जिम्मेवारियाँ तय हो गई है, क्या कार्रवाई उसमें? नहीं, जिम्मेवारी तय होगी, बिल्कुल जिम्मेवारी तय होगी, बिल्कुल जिम्मेवारी तय होगी। जब आपको ये पता है कि ऊपर में कैपेसिटी कितनी है लोगों को होल्ड करने की, ये तो ऊपर है, पहाड़ पर है, आपको ये पता है कि हम ऊपर में कितनी कैपेसिटी होल्ड कर सकते हैं। हम 5,000 कर सकते हैं, हम 4,000 कर सकते हैं, हम 3,000 कर सकते हैं। हम नीचे से उतने आदमी भेजेंगे, नीचे से उतने आदमी वापस आएंगे, फिर हम उतने आदमी भेजेंगे। हम ऐसा कोई क्यों करेंगे कि इतनी बड़ी घटना हो गई। इसलिए जो लोग भी वहाँ पर मजिस्ट्रेट थे, जो लोग भी वहाँ पर पुलिस के पदाधिकारी थे, उन्होंने जिवारी के निर्वहन करने में अपनी जो भूमिका उसका निर्वहन नहीं किया है। सर, एक और क्वेश्चन है वानावार के विकास को लेकर के। नहीं, वानावार के विकास के लिए हम लोग ने व्यक्तिगत तौर पर हमने टूरिज्म जो हमारे मिनिस्टर हैं उनसे भी बात किया है और वहाँ पर और कैसे हम अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करें, क्योंकि हमारे यहाँ हमने कहा अपने भाषण में कि 5 से 7 गुना वानावार में जो फ्लो है, फुटफॉल है, हर सावन में बढ़ रहा है, तो आने वाले 10 वर्ष के बाद तो उस पर और फुटफॉल बढ़ेगा। तो जब तक हम बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ नहीं बना सकते हैं तब तक हम लोगों को प्लान करके उसको चलाना पड़ेगा। बड़ा स्लो प्रोसेस है, वहाँ रोपवे 7 साल से बन रहा है अभी तक। रोपवे सैंक्शन हुआ है लेकिन कुछ ना कुछ टेक्निकल कारण के चलते हुआ, लेकिन इसको हम लोग देख रहे हैं, हम लोग प्रयास करेंगे कि हम लोगों के चुनाव 25 के चुनाव के पहले वहाँ पर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर का एस्टैब्लिशमेंट हो जाए।